हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त तारिक नैयर एंड यू आर वाचिंग डीपी डिराइडर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं मेरे नए हेलमेट का। टाइटल में आपने उसका नाम पढ़ ही लिया होगा। गाइस, इस हेलमेट को मैं काफ़ी दिन से ढूंढ रहा था और ऑनलाइन सर्च किया बट मुझे नहीं मिला। मिला था, फिर ऑर्डर किया, वो आया नहीं। फिर उन्होंने बोला कि भाई 8 दिन के बाद आपको मिलेगा। और जो लोग इसको व्लॉगिंग में इस्तेमाल करना चाहते हैं गाइस, उनके लिए बेस्ट है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा इस प्राइस पर ये हेलमेट मुझे लगता है कि सबसे सस्ता व्लॉगिंग के लिए सबसे सस्ता हेलमेट आपको यही मिलने वाला है। और मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद इसको लिया है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, जस्ट कम टू द पॉइंट एंड लेट्स ओपन द बॉक्स। तो इस तरह का ये है बॉक्स, और यहाँ पे दिखाइए थोड़ा सा इसको। ये है हमारा स्टड्स का ट्रूपर D1, ये इसका मॉडल रखा है ट्रूपर D1। कलर इसका है मैट ग्रे N1 ब्लू। तो चलिए ओपन कर लेते हैं इसको, दिखाते हैं आपको किस तरह का ये हेलमेट है। और आपको मैं उसको पूरा वो भी करके दिखाऊंगा, सेटअप भी करके दिखाऊंगा मेरा व्लॉगिंग सेटअप इस पर कैसे आएगा। काफ़ी मतलब अच्छा सा कूजी सा है, बहुत अच्छा है इसका। जो अगर मैं इसको बताऊं, पहनने के बाद मुझे लगा बड़ा मतलब कम्फर्टेबल लगा। ठीक है, तो ये इस तरह का हेलमेट इस तरीके से आता है। स्टड्स का बहुत सिंपल पैकिंग होती है इनकी, कुछ खास पैकिंग नहीं करते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब मेरा पुराना वाला चैनल नहीं चला इतना, 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर आए 4 साल में। तो अब मैंने बड़ी उम्मीदों के साथ नया चैनल शुरू किया है, ये वाला डीपीटी राइडर के नाम से, जिसपे आपको बहुत सारे शॉर्ट्स मिलेंगे और मेरी लद्दाख राइड की, स्पीति राइड की सारे शॉर्ट्स मिलेंगे आपको। और इसके अलावा और भी बहुत सारे मेरे व्लॉग्स मिलेंगे, और जो आने वाले मेरे टूर है, लॉन्ग राइड है, वो सब आपको मिलेगी इस पर। तो अब आ जाते हैं हमारे पॉइंट पर वापस। कुछ इस तरह का है ये कैमरा। कैमरा को फोकस करो बस, मेरा फेस अच्छा आना है। तो इस तरीके से ये है कैमरा, आपको 360 व्यूज दिखा देता हूँ उसका। ठीक है दोस्तों, बैक से इस तरह से है। अब यहाँ की बात करें, यहाँ पर आपको मिलता है इसमें एयर इनलेट, यहाँ से हवा जाएगी इस जगह से अंदर, और आप इसको बंद भी कर सकते हैं। एक एयर इनलेट इसमें यहाँ पर लगा हुआ है, इसको ऐसे खोलेंगे तो यहाँ से हवा जाएगी, और तो आपको सफोकेशन नहीं होगा अंदर बिल्कुल भी। तो दो इसमें एयर इनलेट लगी हुई है। अगर मैं बात करूँ इसके जो शील्ड है यहाँ पर वाइज़र की, मेन शील्ड, ये काफ़ी अच्छे से बंद होती है, काफ़ी अच्छे से खुलती है, मतलब स्टेप्स दिए हुए हैं काफ़ी सारे, ये देखिए। और जो अच्छी इसमें मुझे बात लगी, इसमें गॉगल्स आपको मिल रहा है अंदर, और गॉगल्स को यहाँ से हम खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं इस तरीके से। काफ़ी लाइट वेट है, सिर्फ इसका वज़न जो है सिर्फ आपका 1350 ग्राम है गाइस। बड़ा हल्का लगा, इवन जब मैं बॉक्स में इसको ला रहा था, मुझे लगा यार बड़ा हल्का सा है। यहाँ पर आपको एक एयर इनलेट फिर मिल जाता है, यहाँ पे एक वेंटिलेशन थोड़ा सा, और ये मैट फिनिशिंग में है, बहुत प्यारा इसका लुक आ रहा है। हो सकता है कैमरा में इतना अच्छा ना दिख रहा हो। यहाँ पर इस तरीके से ट्रूपर लिखा हुआ है इस पर, और यहाँ पर ट्रूपर लिखा हुआ है। और अब अंदर की बात करते हैं, तो इसमें ये कुशनिंग मिलती है इस तरह से आपको, ये अलग से, ये अलग से, और ये अलग से। और इसकी अगर बात करें तो गाइज, ये वाली कुशनिंग आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर इसमें कुछ बटन्स वगैरह दिए हैं, ये देखिए इस तरह से निकाल सकते हैं और आप उसको वॉश कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ इसके अंदर मुझे बहुत लगी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, यहाँ पर आपको मिल जाता है ये एक इस तरह का, यहाँ पर फैब्रिक लगा हुआ है, ताकि व्लॉगर्स के लिए ख़ास तौर से ये है, जब आप इसको लगा लेंगे तो आपका फेस यहाँ तक आ जाएगा, और चिन के पास जो हवा जाने का रास्ता है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। और ये काफ़ी सॉफ्ट है, इसमें कुछ वो नहीं है मसला। अब अगर बात करें, ये फ्लिप अप है या नहीं, यस ये फ्लिप अप है, ऐसे यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है, इसको आप दबाएंगे तो ये आराम से खुल जाएगा, और यहाँ पर ऊपर लॉक हो जाएगा, ये लॉक, ये ऐसे तो फ्री है बट इसको आपको थोड़ा सा ऐसे लॉक लगाना पड़ेगा, इस तरीके से लॉक लग जाएगा। फ्रंट लॉक इस तरह का है कुछ। बहुत सारे साइज़ इसमें हैं, आपका जो साइज़ हो वो आप चेक करके ले सकते हैं। बाकी मेरे हेड का साइज़ जो है वो XL है, और चूंकि मुझे GoPro का सांवो भी लगाना है, सो माइक वगैरह, इस वजह से मैंने थोड़ा XL ही लिया है। तो अंदर से अगर मैं बात करूँ, साइड कुशनिंग काफ़ी सही है, थोड़ा मतलब अगर आपको लगा थोड़ा टाइट है यहाँ, तो टाइट ले सकते हैं, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद ये हल्का सा आपकी फेस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। ये यहाँ पर कुशनिंग इस तरह से है, आप इसको निकाल कर इसको भी वॉश कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और ये स्ट्रैप दिया हुआ है, सिंपल वाला है, और मुझे लगता है ये सबसे अच्छा है। इसमें जहाँ पर आपकी फिटिंग सेट आती है वहाँ पे आप इसको बांध सकते हैं। ठीक है,
तो ये इसके बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी मैं आपके सामने करूंगा नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और गाइज मेरे आने वाले व्लॉग्स जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स लेकर आऊँगा आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।